अगर ट्रक रोक लिया, 2-5 घंटे खड़ा कर दिया, मेरा तो 1 लाख रुपए का नुकसान, तो रिश्वत उतनी ही ज्यादा, भाई 50,000 दे दो अभी ट्रक छोड़वाना। अगर मान लीजिए भाजी है उसमें, और भाजी है जो जल्दी खराब हो सकती है, तो उसमें ज्यादा रिश्वत, फल है उसमें ज्यादा रिश्वत। जितना ज्यादा संवेदनशील माल, रिश्वत उतनी ही ज्यादा। तो अभी बड़े बड़े हाईवे पर आपको जो पुलिस के कर्मचारी घूस लेते, रिश्वत लेते मिलते पाए जाते हैं, वो अब मिलकर वैट ऑफिसर्स के साथ ये धंधा करेंगे। और हर ट्रक ओनर को ट्रक भेजते समय एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मैं आपको एक सरल उदाहरण से समझाता हूं। मुंबई से आपने दूध का टैंकर भर के कल्पना करो नागपुर भेजा, तो यहां पहला जो एंट्री वो आएगा, चेक पॉइंट आएगा, पहला सबसे पहला वैट, वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि मुंबई से नागपुर की दूरी कल्पना करो 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर कवर करने का टाइम 20 घंटे कल्पना करो एवरेज। तो वो लिख देगा कि 20 घंटे में नागपुर आपको पहुंचना है, ठीक है। अगर 21 घंटे में पहुंचे तो आपने कानून का उल्लंघन किया और नागपुर वाला दंड लगाएगा आपका। ये आप सोच रहे हैं कितनी अधिकारशाही बढ़ने वाली है। आप ट्रक लेके निकले, 20 घंटे का टाइम फिक्स कर दिया उसने नागपुर तक का, अब 21 घंटे हो गया, 22 घंटे हो गया, 23 घंटे हो गया, ट्रक कहीं खराब हो गया, पंचर हो गया, कुछ हो गया, देन यू हैव टू कन्विंस हिम, ऑल द टाइम यू हैव टू कन्विंस हिम। अब कन्विंस करो उसको, मेरा ट्रक खराब हो गया था, अच्छा उसका सर्टिफिकेट दिखाओ ट्रक खराब हुआ था। अब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कहेगा तुम झूठ बोलता है, तुमको 20 घंटे का टाइम मिला था, 21 घंटे में आया, 1 घंटे का तुमने ज्यादा समय लगा, पेनल्टी दो, कानून का उल्लंघन हो गया। अब उसमें वो क्या करेगा, सीधे सीधे से घूस मांगेगा, रिश्वत मांगेगा और कुछ नहीं करेगा। ये वो भी जानता है, ऑफिसर के सब ट्रक वालों को लेकर थाने में नहीं ले जा सकता, वो भी जानता, लेकिन उसको बीच का रास्ता मालूम है, तुमको मैं छोड़ता हूं, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो। माने जो नई नई कमाई के रास्ते खुल जाएंगे इस वैल्यू एडेड टैक्स के आने से। और ट्रक ऑपरेटर माने ड्राइवर जो चला रहा है, उसको 20 डॉक्यूमेंट्स की 80 कॉपी लगेगी कम से कम, मैंने हिसाब जोड़ा उसका। मुंबई से नागपुर अगर वो जाता है तो 80 बूथ बनेंगे मुंबई नागपुर के बीच में, 80 बूथ बनेंगे, हर बूथ पर एक कॉपी देनी पड़ेगी, और वो कॉपी में टैक्स इनवॉइस चाहिए, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर का सर्टिफिकेट चाहिए, माल जो भरा हुआ है वो कहां से खरीदा है, उस पार्टी का पूरा नाम, पूरा पता, फोन नंबर पूरा चाहिए, वो पार्टी ने कितना वैट पे किया है वो चाहिए, क्वांटिटी कितनी है वो चाहिए, सामान क्या है वो चाहिए, नेट टैक्स क्या पे किया है वो चाहिए, किसको माल लेके जा रहे हो देने के लिए उसका चाहिए, टोटल 20 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक भी कम तो कानून का उल्लंघन और जेल 1 साल की, नहीं तो माल जब्त करो, नहीं तो पेनल्टी। इतनी खतरनाक व्यवस्था। अब मैं आपको दूसरा एक उदाहरण देता हूं यहीं पे। यूरोप के कोई भी देश में महाराज जी, एक देश का माल दूसरे देश में जाए, जर्मनी का फ्रांस में आए, फ्रांस का स्वीडन में जाए, स्वीडन का स्विट्जरलैंड में जाए, कहीं रास्ते में कोई वैट ऑफिसर कभी ट्रक को हाथ भी नहीं दिखा सकता, रोक भी नहीं सकता, चेक करना तो दूर की बात है, कोई नहीं कर सकता ये। और यूरोप में कभी भी आप चले जाइए, ट्रकों की आवाजाही आप देखिए, बिल्कुल बिंदास जाते हैं, कोई रास्ते में ना कोई बैरियर है, ना चेक पोस्ट है, ना टोल बूथ है, ना वैट बूथ है, ना कोई बूथ है, बिंदास जाते हैं। फ्रांस से जर्मनी में घुस गए, जर्मनी से बेल्जियम में चले गए, बेल्जियम से और कहीं चले गए, अपना बिंदास माल बेचते हैं फिर चल जाते हैं। यहां हर बूथ पर चेकिंग, जैसे टोल बूथ पे होता है वैसे अब वैट बूथ पे होने लगे। और मुझे डाउट है कि सरकार ये जो टोल बूथ है इनको ही वैट बूथ में कन्वर्ट करेगी, क्योंकि नए बूथ बनाने के लिए खर्चा नहीं है, तो टोल बूथ वालों से कोई एडजस्टमेंट वो करेंगे, तुमको 2% देंगे, 3% देंगे या 1% देंगे, तुम हमको यहां बैठने दो। और टोल बूथ वाली सभी प्राइवेट पार्टियां हैं, वो डर के मारे वैसे ही सरकार को सरेंडर कर देगी, हाँ हाँ जी आप बैठ लो हमारे साथ। इसमें सिर्फ हैरानी परेशानी होने वाली है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब
अभी देखिए इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपके पास बीएसटी नंबर है, बॉम्बे सेल्स टैक्स का आपके पास वो जो नंबर है ना, तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी माहिती के लिए, अगर आपके पास बीएसटी का नंबर है, पहले से आप बिजनेस करते हैं, तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, एक बात। लेकिन उसके आगे, लेकिन अगर वैट कमिश्नर को लगता है तो वो आपको नोटिस दे सकता है कि आप नया रजिस्ट्रेशन करें, वो नोटिस दे सकता है, जरूरत नहीं है। फिर नोटिस देने का अधिकार क्यों दे दिया आपने उसको? एक तरफ सरकार कह रही है कि बीएसटी का अगर नंबर है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कमिश्नर आपको कह सकता है कि आप रजिस्ट्रेशन करें। नेक्स्ट, अभी इसमें रिटर्न फाइल करने का है। कुछ लोगों को साल में 4 बार रिटर्न फाइल करना है, कुछ लोगों को 2 बार करना है, और कुछ ऐसे भी धंधे हैं जिनको हर महीने करना पड़ता है। इतना ज्यादा तकलीफ कर दिया रिटर्न का, ये नहीं कि साल में 1 बार करना, साल में 3 बार करना है, कुछ लोगों को साल में 2 बार करना है, कुछ लोगों को साल में हर महीने करना है। नेक्स्ट, अभी देखिए कमिश्नर आपका कोई भी आपका आपने रिटर्न फाइल किया है, कमिश्नर को पूरा अधिकार है उसको गलत सिद्ध करने का। आप कितना भी सही फाइल करिए, वो रीचेक करेगा, रीक्रॉस करेगा, री एग्जामिन करेगा, नया किसी को जिम्मेदारी दे सकता है, चेक करो इसको, कोई कमेंट भी बिठा सकता है, उसको सारे अधिकार हैं। तो फिर ये सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या है? ये इतना बड़ा फ्रॉड क्यों कर रही है सरकार हमारे साथ? एक तरफ कहती है कि सेल्फ असेसमेंट वाला है, दूसरी तरफ कहती है कमिश्नर हैज एवरी राइट, कोई भी अधिकार उसको है क्रॉस चेक करने का, रीचेक करने का और ये सब करने का। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें कमिश्नर क्या क्या कर सकता है, ये मैंने इसमें बताया, ये मैं हालांकि आपको पहले बता चुका हूं। कमिश्नर को महाराष्ट्र सरकार के कानून के तहत 56 अधिकार है, कर्नाटक कानून के तहत 108 अधिकार है, मध्य प्रदेश कानून में 150 अधिकार है। जहां जहां वैट के कानून बने हैं ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग अधिकार है। महाराष्ट्र में 56 राइट्स हैं कमिश्नर को, उसमें से फर्स्ट राइट है आपको 1 साल की जेल भेजना, दूसरा राइट है आपकी चल अचल संपत्ति को जब्त कर लेना। चल अचल संपत्ति में क्या है? चल संपत्ति में गाड़ी है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार है, आपका बैंक अकाउंट है, आपके बैंक में लॉकर में रखे हुए गहने हैं, वो सब जब्त करने का अधिकार कमिश्नर को है। अचल संपत्ति में घर है, बंगला है, खेत है, खलियान है, वो सभी जब्त करने का अधिकार कमिश्नर को है। और न सिर्फ जब्त करने का अधिकार है बल्कि उसकी नीलामी कर देने का अधिकार भी उसको है। इतने राइट्स हैं और ऐसे ऐसे 56 अधिकार हैं। मैंने आपको कहा ना, लॉरी को रोक लेने का, लॉरी के सामान को जब्त कर लेने का, ट्रक ड्राइवर को जेल भेज देने का, ट्रक ऑपरेटर को जेल भेज देने का, ऐसे 56 अधिकार कमिश्नर को है महाराष्ट्र में। और अन्य अलग अलग राज्य में अलग अलग है। मैंने आपसे कहा ना कर्नाटक में 108 अधिकार है, उनमें यहां से भी ज्यादा है। और सभी राज्यों ने अलग अलग कानून बनाए हैं, एक रूपता कहीं भी नहीं। कोई राज्य में कोई वस्तु पे 4% वैट है, दूसरे राज्य में उसी वस्तु पे 12.5% वैट है, कोई राज्य में कोई वस्तु पर 12.5% है, दूसरे राज्य में उस पर 4% है। इतनी ज्यादा अलग अलग भिन्नताओं के आधार पर यह कानून बनाया, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी आएगी इंटर स्टेट ट्रेड करने वालों। आपका वस्तु आप मंगाते हैं दिल्ली से, सपोज 12.5% वैट है, वही वस्तु यहां बेच रहे हैं उस पर 4% वैट है, या यहां से वस्तु आप भेज रहे हैं दिल्ली जिसमें 4% वैट है, दिल्ली में 12.5% वैट है, बहुत तकलीफ आने वाली है। सरकार ने कहा यह था कि होमोजेनियस करेंगे, लेकिन होमोजेनियस हुआ नहीं, सब राज्य अलग अलग तरीके से अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बचा। इसमें बहुत तकलीफ आएगी इंटर स्टेट ट्रेड करने वाले। नेक्स्ट, हाँ अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, कि अगर मान लीजिए आप टैक्स ज्यादा पे कर दिया गलती से, आपसे गलती हुई, आपने टैक्स ज्यादा भर दिया, होता है 10,000 रुपए आपने 20,000 भर दिया, तो आप शिकायत करेंगे हमने ज्यादा टैक्स दे दिया है, कमिश्नर उसको चेक करेगा, बात सही पाई गई तो 10,000 रुपए आपको वापस होना चाहिए। कमिश्नर वापस नहीं करेगा, वो अगले साल एडजस्ट करेगा, अगले साल एडजस्ट करेगा।
माने अगले साल जब आप टैक्स भरें तो उसमें 10,000 कम भरना, वापस नहीं देगा। एक अब इसका उल्टा है, अगर आपने टैक्स कम भरा, 20,000 रुपए टैक्स निकलता है और आपने 10,000 भरा, तो 10,000 कम भरा, अगर कम भरा है तो कमिश्नर उस पर आपसे ब्याज लेगा और पेनल्टी अलग से लेगा। और ब्याज कितनी है महाराज जी? 2% पर मंथ, 2% प्रति माह। जो सूद खोर लेते हैं वो ब्याज की दर है 2%, साल का नहीं, महीने का। 100 रुपए पे 2 रुपया हर महीने। आपने ज्यादा दे दिया, सरकार वापस करने को तैयार नहीं है, एडजस्ट करेगी, आपसे कम आया है तो पेनल्टी भी लेंगे और ब्याज सहित वसूलेंगे। और किसी केस में मान लीजिए आप कमिश्नर के खिलाफ ट्रिब्यूनल में गए, कोई मामला ऐसा बना जिसमें आपने आर पार की लड़ाई लड़ने का तय किया, कमिश्नर के खिलाफ आपने केस किया, चांस की बात आप ट्रिब्यूनल में जीत गए, कल्पना करो आप जीत गए, कमिश्नर हार गया, तो जो जीता हुआ जजमेंट है वो सेट असाइड करने का राइट कमिश्नर को है, जीते हुए मामले को नहीं लागू करने का अधिकार उस कमिश्नर को। फिर आप क्या करेंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में प्रोविजन बना दिया है इसमें वो ये कि आप हाई कोर्ट में अगर जाना चाहते हैं केस को लेकर, तो हाई कोर्ट सबसे पहले ये कहेगा कि आपका जितना टैक्स है पहले भर दो, फिर आपका मुकदमा स्वीकार किया जाएगा सुनवाई के लिए। केस ही एडमिट नहीं होगा जब तक आप पूरा टैक्स नहीं भर देते। आपने मान लीजिए भर दिया टैक्स, 3 साल मुकदमा चला, 3 साल में आप जीत गए और सरकार हार गई, कमिश्नर हार गया, तो जीता हुआ आपका पैसा माने रिफंड मिलना चाहिए, वो भी एडजस्ट। और अगर आप ज्यादा कुछ करेंगे तो सरकार आपको वापस करेगी, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के साथ, वो इंटरेस्ट है 5% पर एनम और आपसे लेगी 2% प्रति महीना खींचेगी। ऐसी हरामखोरी इस कानून में। सबसे ज्यादा दुख की बात है अपने ही राजा हमारे साथ इस तरह की हरामखोरी कर रहे हैं। बाहर वाला कोई आके ये करे तो एक बार को दिल गवाही देता, चलो बाहर वाला है, लूट करने के लिए आया है, यही धंधा है उसका। हमारे द्वारा चुना हुआ सरकार ही हमारे साथ ये हरामखोरी कर रहा है। और ये हरामखोरी हो गई उसका एक ही कारण है, जो महाराज जी ने कहा ना, सब सो रहे हैं, पूरी पार्लियामेंट सो रही है, लोगों की तो बात छोड़ दो, पार्लियामेंट सो रही है, असेंबली सो रही है। जिस असेंबली में बहस होनी चाहिए थी कोई बहस नहीं हुई, संसद में बहस होनी चाहिए कोई बहस नहीं हुई, इसलिए ये हो गया, इतना खराब कानून लागू हो गया। नेक्स्ट, इसको छोड़ दो, ये मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट, अब देखिए एक चीज और बता, अगर आप धंधा करते हैं, रिटेल बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, तो आपको जो कैश मेमो देंगे अब तो वो कंपलसरी है। 10 पैसे का भी माल बेचेंगे तो आपको कैश मेमो फाड़ना है, रसीद देनी है, डॉक्यूमेंट देना है, उस पर क्या क्या चीजें लिखनी है वो जरा देखिए। सरकार कह रही है ना बहुत सरल हो जाएगा, अभी कैश मेमो पे महाराज जी 20 माहिती देनी पड़ेगी, एक कैश मेमो पे 20 माहिती भरनी है आपको। क्या भरना है? टैक्स इनवॉइस वर्ड्स एंड नंबर, जो टैक्स इनवॉइस मिलेगा ना उस पर जो शब्द लिखे हुए हैं पूरे के पूरे और जो नंबर है आपका वो। दूसरा डेट ऑफ इनवॉइस। तीसरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर। चौथा जो परचेजर है उसका नाम एड्रेस के साथ। मैं आपसे 50 पैसे की एक पेंसिल खरीदने आया, अभी मेरा नाम भरो पूरा उसमें, मेरा नाम राजीव दीक्षित, मेरा पता सेवाग्राम आश्रम वर्धा, फोन नंबर 28441, सेल नंबर ये, ईमेल तो ये, अभी इतना, मुझे 50 पैसे का पेन लेना है आपसे, भरो ये सब। अभी आप धंधा करोगे कि वो भरते बैठोगे कैश? अब 20 माहिती ऐसी ये सब भरनी है। अब महाराज जी जरा कल्पना करो, आप शाम को 5 बजे का समय है जिस समय सबसे ज्यादा ग्राहकी होती है, कल्पना करो, और 10 ग्राहक आ गए एक साथ कुछ, अब सबका भरते बैठो आप। मैंने इसको भर के देखा, एक ग्राहक का भरने में कम से कम 2.5 से 3 मिनट जाता।
पांच ग्राहक खड़े हैं तो ढाई तीन का 30 मिनट तो गया, उतने में एक ग्राहक कहेगा अरे यार ये धंधा कर रहा है कि अपना भरते, वो दूसरी दुकान में गया। लेकिन दूसरी दुकान में भी उसको यही समस्या है, तीसरी दुकान में आप तो ग्राहक गया आपके पास, क्योंकि ग्राहक जब आता है वो घाई घाई में होता है, लाओ लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ, मुझे ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, ये कर। अब आप भरते तुम्हारा नाम क्या है, कहेगा क्या मतलब तुमको मेरे नाम से, तुम्हारा पता क्या है, क्या मतलब तुमको मेरे पते से, तुम्हारा फोन नंबर क्या है, सेल नंबर क्या है। वो बेचारा कहेगा ये जरूर खुफिया विभाग का आदमी है, मेरे बारे में माहिती देना चाहता, वो भाग जाएगा। क्या जरूरत है ये सब तमाशा करने की, दुनिया के किसी देश में ये सब नहीं, यहां पर इतना जबरदस्ती है सब। और ये करने का एक ही कारण है महाराज जी, व्यापारियों पर सरकार को बिल्कुल भरोसा नहीं, उद्योगपतियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, ये सरकार कितनी हरामखोर है। मैंने एक वित्त मंत्री को ये कहा था, वो बोला नहीं इस पर। मैंने कहा देखो जितने व्यापारी और उद्योगपति हैं सबके सब फोकट में तुमको टैक्स इकट्ठा करके दे रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, फोकट में अपनी सेवा दे रहे हैं, क्योंकि टैक्स देने वाला तो मैं हूं, ग्राहक, कलेक्ट करने वाले आप हैं और सरकार के खजाने में भरने वाले आप हैं। माने भारत की सरकार को, भारत के खजाने को बिना एक पैसा लिए हुए सेवा देने वाला वर्ग है व्यापारी वर्ग। हर साल 7.5 लाख करोड़ रुपए जो टैक्स भरता है सरकार के खजाने में, ये तो व्यापारी लोग देते, एक पैसा भी सरकार से पगार नहीं लेते। उस व्यापारी के ऊपर इतना अत्याचार जो फोकट में आपको सर्विस दे रहा, वरना सरकार की औकात नहीं है टैक्स कलेक्ट कर सके। अगर व्यापारी सरकार से असहयोग करना शुरू कर दे महाराज जी, सरकार एक मिनट में गिर जाएगी, इसमें दम नहीं है टैक्स इकट्ठा करने की। पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पूरा सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट लग जाए तो वैट कलेक्ट नहीं कर सकता इस देश में। ये तो व्यापारी वर्ग है, उद्योगपति वर्ग है, जो बिना एक पैसा लिए चुपचाप अपनी सेवा दे रहा है। सरकार को उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, बजाय इसके सरकार उसको चोर बेईमान डकैत कहती है। इस बात का मुझे बहुत दर्द होता है, बिना एक पैसा लिए हुए 7.5 लाख करोड़ रुपए हर साल सरकार के खजाने में जमा होता है। और सरकारी विभाग का प्रधानमंत्री एक बार ये बोला है कि मेरे पास जो टैक्स का पैसा आता है उसमें 85% लीकेज होता है। लीकेज कहां होता है, पैसा जमा होने के बाद, माने टैक्स कलेक्टर ऑफिस से लेकर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बीच में 85% लीकेज होता है। माने व्यापारी और ग्राहक ईमानदारी से पूरा पैसा सरकार को दे देता है, लीकेज जो है सरकार के सिस्टम में है। ये बात राजीव गांधी ने कही थी, किसी और ने नहीं कही थी। और उसने कहा कि लीकेज इतना जबरदस्त है कि मैं 1 रुपया वापस अगर देता हूं खर्चा करने के तो 15 पैसा ही खर्च होता है। इतना बड़ा लीकेज जिस सिस्टम में हो, और वो सरकार अपने को हरामखोर ना माने, सामने वाले को हरामखोर कहे, जो बिना एक पैसा लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए खजाने में उसको जमा कर रहा है। तब मैं व्यापारियों से कहता हूं कि अभी कितना बर्दाश्त करोगे आप, एक सीमा होती है ना सहन करने की, एक सीमा होती है। अब तक आप 58 साल से गालियां खाते आए टैक्स ऑफिसर की, चोर बेईमान लुच्चा लफंगा, जो भी कुछ उनको कहना था वो सब उन्होंने कहा। आपके ऊपर 58 साल में कितने झूठे झूठे केस बनाए हैं। मैं तो हिंदुस्तान के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के केसेस पढ़ता रहता हूँ। 100 केस अगर महाराज जी करता है डिपार्टमेंट तो 98 में डिपार्टमेंट हारता, 2 में ही जीतता है डिपार्टमेंट। इसका माने फैब्रिकेटेड होते हैं सब, झूठ मूठ के बनाए हुए केस होते हैं, नहीं तो जीतता क्यों नहीं है डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स का तो सक्सेस रेट जो है ना 2% है, 2% 3%। मेरा एक दोस्त है इनकम टैक्स कमिश्नर, मैं उसको पूछता हूं तुम साल में जितने केस करते हो जीतते कितने हो, 1 या 2, ज्यादा से ज्यादा, फिर क्यों करते हो, तो कहता हूं ऊपर से आदेश है करने के लिए। माने हैरान परेशान करना है। और हैरान परेशानी कैसी, न्यूसेंस कैसा, रात के 2 बजे आपके घर में घुस जाना, सोते हुए लोगों को उठा देना, कहना सब बाहर जाओ, आपका कैश बॉक्स चेक करना, ज्वेलरी बॉक्स चेक करना, आपके गद्दे के नीचे कुछ रखा हुआ है गद्दे को फेंक देना, तकिए के अंदर छुपा हुआ है उसको फेंक देना, आपके रसोई में घुस जाना, रसोई में जो आपका आटा रखा हुआ है गेहूं का उसको उलट देना, दाल के डिब्बे को उलट देना। इस तरह का न्यूसेंस इस देश में करते हैं ये सब टैक्स ऑफिसर, और आप सब खामोश होकर बर्दाश्त करते रहते हैं।
ये इसलिए हो पा रहा है कि आप खामोश होकर बैठे हैं, तो उसको और हिम्मत बढ़ रही है, और हिम्मत बढ़ रही है। जिस दिन हिंदुस्तान के व्यापारी और उद्योगपति ने टैक्स ऑफिसर को बंद करके पीटना शुरू कर दिया, उस दिन ये न्यूसेंस खत्म हो जाए। और ये न्यूसेंस हमने खत्म किया है। आप कभी उत्तर प्रदेश में आएंगे, जहां बैट के खिलाफ सबसे ताकतवर अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी माहिती आपको है, लेकिन एक माहिती मैं आपको दे दूं कि व्यापारियों में सबसे ज्यादा एकता अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में। हमने बैट के खिलाफ अभियान शुरू किया उत्तर प्रदेश में। पहली सभा वाराणसी में हुई, उसकी वीडियो सीडी बनी, ऑडियो सीडी बनी। एक हफ्ते के अंदर 40,000 सीडी डिस्ट्रीब्यूट हो गई पूरे उत्तर प्रदेश विद इन वन वीक। सबको माहिती हो गई कि बैट में इतनी खराबियां हैं। उसके बाद सरकार के जितने अधिकारी गए, जितने नेता गए, सभी को मार पड़ी। जिसने भी बैट के समर्थन में भाषण किया उत्तर प्रदेश में, सबको मार पड़ी, इंक्लूडिंग सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश जो प्राइम मिनिस्टर के खास आदमी है। ये जब बैट के समर्थन में सभा करते हैं तो जूते इनको मारे लोगों ने, मुंह काला कर दिया, कपड़े फाड़ दिए, भाग गए वहां से। और अब हिम्मत नहीं है सरकार के किसी अधिकारी की, तो छोड़ दो प्राइम मिनिस्टर की हिम्मत नहीं है उत्तर प्रदेश में आके बैट के समर्थन में व्याख्यान करने की। उत्तर प्रदेश में बहुत खराबियां हैं, लेकिन उसमें एक अच्छा है कि व्यापारियों में एकता जबरदस्त है। और जब व्यापारी वहां एक होते हैं तो बीजेपी कांग्रेस भूल जाते हैं। तू बीजेपी का, मैं कांग्रेस का, तू सीपीएम का, मैं सीपीआई का, कुछ नहीं। अभी हम व्यापारी हैं, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना जनता दल, ना सीपीएम, ना सीपीआई। अभी व्यापारी है, अभी उद्योगपति है, पहले हम हमारा काम करें। उनकी एकता ने ऐसा चमत्कार दिखाया है कि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव पिछले साल से चिल्ला रहा था, मैं बैठ लाऊंगा, बैठ लाऊंगा, बैठ लाऊंगा। अब कहता मैं बैठ नहीं लाऊंगा, कान पकड़ता बैठ नहीं लाऊंगा। और ये कहता है कि जब तक व्यापारी हां नहीं करेंगे तब तक बैठ नहीं लाऊंगा। तो आप अगर खड़े हो जाए तो क्या हो सकता है, मैं उसका एक उदाहरण दे रहा था। उत्तर प्रदेश में यह हो सकता है तो महाराष्ट्र में भी हो सकता है। और महाराज जी, उत्तर प्रदेश के व्यापारी संघ ने क्या किया, उन्होंने एक पूरा महामंडल बना दिया। सब संघ एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए, उन्होंने स्टिकर बनाए, स्टिकर दुकानों में लगा दिए हैं, और हर स्टिकर में लिखा है सावधान, कोई भी वैट ऑफिसर दुकान के अंदर प्रवेश ना करे, नहीं तो नीचे लिखा है 440 वोल्ट का करंट लग सकता है। साफ लिखा है उस स्टिकर। फिर दूसरा स्टिकर क्या है, अगर किसी टैक्स ऑफिसर को कोई प्रॉब्लम है तो व्यापारी महामंडल के अधिकारी को लेकर आए तो दुकान में घुस सकता है, अदरवाइज छूना नहीं, दुकान के दरवाजे पर चढ़ना नहीं, कुछ भी हो सकता है। एक दो बार क्या हुआ, ये अधिकारी तो थोड़े से वो होते हैं ना, हाँ, पुलिस को लेके गए। बहराइच में हुआ, बहराइच तो बहुत छोटा सा गांव है, वहां तो कुछ वैट अधिकारी माने टैक्स ऑफिसर माने सेल्स टैक्स ऑफिसर पुलिस के साथ घुस गए। व्यापारियों ने क्या किया, दरवाजा बंद किया और जो मारा उनको पूरी तरह से हाथ पैर तोड़ दिए, और FIR भी सबसे ज्यादा के पहले दर्ज करा दिया कि ये बिना अधिकार के हमारे दुकान में चोरी करने के इरादे से घुसे। सारे अधिकारी जेल गए, सब सस्पेंड हुए। उस दिन से अभी अधिकारी ऐसे ऐसे कांपते हैं। वहां अधिकारी अगर सर्च करने भी आया है तो जब तक व्यापारी महामंडल का कोई अधिकारी उसके साथ नहीं है और उसके पास लिखित उसका आदेश पत्र नहीं है, घुसने नहीं देता कोई, मारते हैं बुरी तरह से, मारते वो केस वेस जो होता होगा पहले पीटते हैं। और पीटने के लिए उन्होंने क्या रखा हुआ है, ऐसे हथियार रखे हुए जिनसे अंदर चोट आती है, बाहर नहीं बिकती, ऐसे हथियार जैसे हॉकी स्टिक से आप जब पीटोगे तो बाहर कुछ नहीं दिखेगा, अंदर आपका पांव टूट जाएगा, हॉकी से पीटेंगे। और वो मोटा डंडा होता है ना जिसको घुमाते हैं ताकत लाने के लिए वर्ष, वो डंडे से मारते हैं, वो हॉकी से पीटते हैं, चाकू छुरी नहीं चलाते, उसमें तो बाहर से दिखता है। और खूब पीटते हैं, फिर जाके FIR करते हैं कि ये बिना अधिकार घुसा था चोरी करने के इरादे से। अभी अधिकारी सब कांपते हैं। और जब से ये हुआ अधिकारियों ने कहा हम बैट नहीं लगा सकते, मुख्यमंत्री को कह दिया हम नहीं कर सकते, हम सरेंडर करते हैं, मुख्यमंत्री ने फिर सरेंडर कर दिया, उत्तर प्रदेश में बैठ गए। और उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री ने धमकी दिया कि तुम बैठ नहीं लगाओगे तो हम तुम्हारा केंद्र का मदद बंद कर देंगे। तो उसने कहा वो मंजूर है,
मैं वैट नहीं लगा सकता, केंद्र की मदद ना आए मंजूर है, मुझे राज्य चलाना है, शासन चलाना है, मैं वैट नहीं लगा सकता। फिर उत्तर प्रदेश को देख के पांच राज्यों में हिम्मत आया, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन्होंने भी मना किया। तीन और राज्यों में हिम्मत आई, ऐसे अभी आठ राज्यों में नहीं है, क्योंकि उनमें थोड़ी जागृति आई है। आप भी अगर थोड़े जागरूक हो जाएं, तो ये जो लगा हुआ वैट है वापस हो सकता है। आप कहेंगे जी क्या वापस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, कोई भी कानून अगर संसद बनाती है या विधानसभा बनाती है, तो वही संसद और विधानसभा उसको वापस भी लेती है। महत्व तो यह है कि आप में संगठन शक्ति कितनी है, और आपको इस कानून का विरोध करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैंने आपसे कहा कि आपको टैक्स भरना है, ये समस्या नहीं है, समस्या दूसरी है। आपकी ग्रॉस इनकम और नेट इनकम दोनों टैक्सेबल हो गई है और सरकार की नजर में है, माने आप थोड़ा पैसा भी आप बचा नहीं पाएंगे, माने धर्म के काम में अब आपका पैसा कम से कम जाएगा, और धर्म के काम में पैसा कम जाएगा तो मंदिर और मंदिरों से जुड़ी हुई संस्थाएं ये सब सूख जाएंगी, और ये संस्थाएं सूखेंगी तो सच में सबसे बड़ा आघात धर्म पर ही होगा। चाणक्य ने महाराज जी एक बहुत सुंदर वाक्य कहा है, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। धर्म के मूल में अर्थ है, अगर अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है तो धर्म पालन नहीं होता। भूखे लोग मंदिर नहीं बनाते और भूखे लोग भजन भी नहीं करते। पेट भरा हुआ होना चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए, तब मंदिर बनते हैं, तब मठ बनते हैं, संस्थाएं बनती हैं, धार्मिक काम होते हैं। तो अर्थ जितना मजबूत होगा धर्म उतना फैलेगा, अर्थ जितना कमजोर होगा धर्म उतना कमजोर होगा। भारत जब जब आर्थिक रूप से मजबूत था तो भारत की धर्म ध्वजा पूरी दुनिया में फैलती थी। भारत सोने की चिड़िया जब था तो भारत का धर्म दुनिया के 50 देशों में गया, बौद्ध धर्म गया, जैन धर्म गया, सनातन धर्म गया। और जब भारत आर्थिक रूप से कमजोर होने लगा तो भारत का धर्म भारत में सिमट गया और विदेशी धर्म भारत में घुस गया। ये इस्लाम भारत में आया वही समय जब भारत आर्थिक रूप से कमजोर हुआ, ईसाइयत उस समय आई भारत में जब भारत और ज्यादा कमजोर हुआ। आपका धर्म तो सिमट गया, विदेशी धर्म आप पर हावी हो गया और धीरे 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 हावी होता चला जा रहा है, और वो जो हावी होता चला जा रहा है अब आगे और हावी होने वाला है। एक स्लाइड में आपको और दिखाता हूं, मैं जो आपसे कहा ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर वैट फ्री, वो प्रोविजन में आपको दिखाना चाहता हूं। ये नेक्स्ट 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 वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 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 हाँ एक मिनट एक मिनट, ये पीछे वाला प्रीवियस, ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है। वैट मींस वैल्यू एडेड टेंशन, वैल्यू एडेड टैक्स नहीं, वैल्यू एडेड टेंशन। जो भी वैट भरेगा, अभी सब डायबिटीज का पेशेंट होना उसको 100%, हार्ट अटैक आना 100%, क्योंकि टेंशन जितना ज्यादा बढ़ेगा डायबिटीज और हार्ट अटैक और स्ट्रेस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इसमें एक स्लाइड छूट गया है, जरा इसके आगे करो, इसके आगे एग्जेम्पशन वाला एक स्लाइड, एग्जेम्पशन फ्रॉम वैट पीछे, एग्जेम्पशन जहां आया उसी स्लाइड में, इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन में क्या है, शुरू में तो दिया है सेल बाय अ यूनिट इन SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सरकार ने हर राज्य में कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, अगर उसमें आपकी यूनिट है और वो कुछ भी बिक्री करती है तो वो वैट फ्री है भाई। हाँ, 100% EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट अगर आपकी है 100% तो वो वैट फ्री है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में आपकी यूनिट है तो वैट फ्री है। सेल बाई ए एलिजिबल यूनिट अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्प्शन फ्रॉम टैक्स, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्डेड बाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। एंड देखिए नेक्स्ट लास्ट, स्पेसिफाइड डिप्लोमेटिक अथॉरिटीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन।
डिप्लोमेटिक अथॉरिटीज क्या होती हैं, पाकिस्तान का हाई कमीशनर, अमेरिका का एम्बेसी, ये सब डिप्लोमेटिक अथॉरिटीज है। ये सभी कुछ भी करेंगे तो वैट फ्री है, वो ठीक है क्योंकि हम भी उनके देश में कुछ करें तो वैट फ्री है, लेकिन जो खतरनाक है वो ये एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई देश में वैट फ्री नहीं है, हमारे यहाँ पे। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये दो शब्दों को डाल देने से बहुत बड़ा काम हो गया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि सभी चर्च भारत में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, माने चर्च की सारी एक्टिविटीज वैट फ्री होगी। वैट फ्री होगी माने चर्च के किसी भी डॉक्यूमेंट पर कोई वैट कमिश्नर कुछ नहीं कर सकेगा, चर्च कुछ भी करे। 18,000 करोड़ मंगाए और भारत के लोगों को ईसाई बनाने के लिए बांट दिया होगा, कमिश्नर को मालूम है, आपको भी मालूम है, आप शिकायत करें, मैं शिकायत करूं, कुछ नहीं होगा क्योंकि वो वैट फ्री। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी इनकम है वो भी नेट इनकम का जो टैक्स है वो भी फ्री है। जैसे मैं आपको बताऊं ना, अमेरिकन एम्बेसी भारत में, भारत की सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन। कारण क्या है, लाखों वीजा एप्लीकेशन हर साल वहां आते हैं और 90% उसमें रिजेक्ट होते हैं, रिजेक्शन के बाद वो फीस वापस नहीं करते। आपने जो वीजा एप्लीकेशन फीस भरा है वो कभी वापस नहीं करते। मैंने पिछले साल भारत ये हिसाब जोड़ा था, जितने एप्लीकेशन भारतवासियों ने अमेरिका में वीजा के लिए दिए उन पर जितना फीस उन्होंने दिया 2,000 करोड़ रुपए लास्ट ईयर, और 2,000 करोड़ रुपए टोटल टैक्स फ्री इनकम है अमेरिकन एम्बेसी की। अमेरिका की कोई कंपनी से भी ज्यादा नेट इनकम अमेरिकन एम्बेसी करती है इस देश में, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पागलपन है अमेरिका जाने के लिए, और अमेरिकन एम्बेसी हर साल दो साल में फीस बढ़ाती जाती है, और जो भी फीस लेते हैं डॉलर्स में लेते हैं, रुपए में स्वीकार नहीं करते। तो आपकी बेशकीमती विदेशी मुद्रा एप्लीकेशन फीस करने में ही 1,000 करोड़ रुपए नाश होती है हर साल। तो वो पूरी एक्टिविटी इनकम टैक्स फ्री है, अब उसी से जुड़ी हुई कोई भी दूसरी एक्टिविटी वैट फ्री है, माने उनकी ग्रॉस इनकम भी टैक्स फ्री है, नेट इनकम भी टैक्स फ्री। तो इसका मतलब क्या है, उनकी सारी इनकम टैक्स फ्री है तो वो अपनी इनकम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा उस इनकम का भारत देश में धर्मांतरण में इस्तेमाल करें, मतांतरण में इस्तेमाल करें। आप कुछ नहीं कर सकते उनका, वो करेंगे और आप हाथ पे हाथ धर के बैठते रहेंगे। ये सबसे खतरनाक पॉइंट है इस वैट का। और आप जानते हैं अभी थोड़े दिन से हमारे देश में एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा, शंकराचार्य के मठ पर सरकार कब्जा करने जा रही है। कानकोटी कांचीपुरम शंकराचार्य जी के मठ पर सरकार कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुकी है और उसके लिए उनके खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं, 2000 पेज की चार्जशीट फाइल की गई है। मैं शंकराचार्य जी के मठ में पिछले 6 साल से जाता हूँ और उनकी सभी गतिविधियों में बहुत नजदीक से शामिल हूँ। शंकराचार्य जी का जो मठ है कामकोटी कांचीपुरम, इस मठ को हर साल 5,000 करोड़ रुपए डोनेशन आता, 5,000 करोड़ रुपए डोनेशन आता। शंकराचार्य जी को एक बार मैंने पूछा ये डोनेशन का मैक्सिमम इस्तेमाल कहाँ होता है, तो उन्होंने कहा सबसे ज्यादा मैं इसका पैसे का खर्चा करता हूँ उन गाँव में जहां पर गरीब हिंदू ईसाई बन गए। तो वो क्या कर रहे हैं शंकराचार्य जी, दक्षिण भारत के गांव में जो ईसाई बने हुए हिंदू हैं उनको वापस हिंदू बना रहे हैं, उसमें उनका सारा पैसा खर्च होता है, 5,000 करोड़ हर साल वो खर्च करते हैं। मैंने एक दिन कहा शंकराचार्य जी को, ये तो बहुत बड़ी रकम है जो आप खर्च कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी ने कहा तुमको मालूम है ईसाई बनाने के लिए 18,000 करोड़ खर्च हो रहा है, मैं तो उसका एक तिहाई भी नहीं कर रहा। तो वो करते क्या है, गरीब आदिवासी विद्यार्थियों के लिए निशुल्क स्कूल चलाते हैं और उन स्कूलों में भर्ती होने पर फिर हिंदू बनाते हैं, उनके लिए स्कूल के सब खर्चे करते हैं, किताब कॉपी पेंसिल खाना पीना कपड़े सब देते हैं, फीस भी वो ही भरते हैं, रहने का हॉस्टल का खर्चा भी शंकराचार्य जी का मठ करता है। और ऐसे 170 से ज्यादा स्कूल उनके चलते हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रा में, और धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं।
इसके बाद हॉस्पिटल चलते हैं। उन हॉस्पिटल में निशुल्क चिकित्सा की जाती है ऐसे लोगों की जो गरीब हिंदू थे, आदिवासी हो गए हैं, वापस हिंदू बनने को तैयार हैं, उनकी वो निशुल्क चिकित्सा कराते हैं। इस सब में खर्चा होता है। सरकार चाहती है वो सब बंद हो, क्योंकि जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है उनको ये बर्दाश्त नहीं, क्योंकि शंकराचार्य उनके सामने खड़े हैं। अब आर पार की लड़ाई हो रही है, तो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन का असर जैसे ही बढ़ा, मैंने सोनिया गांधी जिस दिन इस देश की सुपर प्राइम मिनिस्टर बनी उसी दिन से यह षड्यंत्र शुरू हुआ। इसके लिए तरह तरह से कोशिशें चल रही हैं। एक तो सीधे उनके ऊपर चार्ज लगाओ, उनको जेल में डालो, चार्ज प्रूफ नहीं हुआ फिर भी जेल में डालो, और जिनके ऊपर चार्ज प्रूफ हो गए हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना के बिठा लो। शिबू सोरेन 78 मर्डर किए हैं, शिबू सोरेन जिंदा जला दिया 78 मुसलमानों को, शिबू सोरेन ने जिंदा जला दिया झारखंड में, सबूत है, अपराध सिद्ध हुआ है, चार्ज प्रूफ हुए हैं, लेकिन आज तक वो छूटा हुआ है क्योंकि सरकार में मंत्री बन के बैठे, और अगर सरकार उसको अरेस्ट करे तो केंद्र की सरकार गिरे। तो शिबू सोरेन को मंत्री बनाओ, उसको सुरक्षा दो, और शंकराचार्य जिनका अपराध अभी सही हुआ उनको जेल में भेजो, और पूरे देश में बदनामी कराओ, टीवी चैनलों को पैसा दे दे के खबर छपवाओ, और टीवी चैनल जो अमेरिका से संचालित हैं जैसे स्टार न्यूज पूरी तरह से अमेरिकन टीवी चैनल, 3 महीने उसने शंकराचार्य के खिलाफ विश्व भ्रमण किया। सत्य उसके विपरीत है, शंकराचार्य के ऊपर एक भी आरोप सिद्ध नहीं होगा जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया है कि तमिलनाडु में कोई निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए सारे मामले कर्नाटक में ट्रांसफर किए जाएं। उसी दिन जयललिता परेशान हो गई, क्योंकि उसे मालूम है दूसरी किसी अदालत में सिद्ध नहीं होगा। एक दिन सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य जी का बेल एप्लीकेशन गया, उसी दिन स्वीकार हो गया, और हाईकोर्ट ने बेल एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हाईकोर्ट जयललिता के कंट्रोल में है, जयललिता सोनिया गांधी के कंट्रोल में है, सोनिया गांधी चर्च के कंट्रोल में है। और आप याद रखिए इस बात को, कभी भूलिए मत, अभी थोड़े दिन पहले पोप मर गया, पोप जॉन पॉल, हमारे देश में 3 दिन का राष्ट्रीय अवकाश हो गया, पोप मर गया, ठीक है मर गया तो क्या करें उसका, हमसे क्या लेना देना उसका, वेटिकन सिटी 3 दिन का करे या 30 दिन का, हमें उससे क्या लेना देना, अमेरिका करे यूरोप करे क्या, हिंदुस्तान में 3 दिन का राष्ट्रीय अवकाश, पोप मर गया जैसे हमारा कोई बहुत बड़ा धर्मगुरु मर गया, सुनील दत्त मरा तो 1 दिन का राष्ट्रीय अवकाश, पोप मर गया तो 3 दिन का राष्ट्रीय, और भारत का कोई भी बड़ा धर्मगुरु मरे तो किसी भी दिन का अवकाश है। और उससे भी ज्यादा खराब बात है, पोप जो मर गया ना, हमारे देश में देखिए क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि दिया, आपको मालूम आधार क्या है, आधार ये है कि मदर टेरेसा ने एक बार किसी महिला के शरीर पर हाथ रखा और उस महिला का गर्भाशय का कैंसर ठीक हो गया, मदर टेरेसा में चमत्कारिक शक्ति है इसलिए वो संत होने के लायक है, ठीक है। अभी ये साइंटिफिक है कि उन्होंने किसी के कंधे पे हाथ रखा और उसका गर्भाशय का कैंसर ठीक हो गया इसलिए मदर टेरेसा संत होने के लायक है, ये 100% सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, लेकिन भारत सरकार ने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया, ठीक है। अब भारत के कोई साधु संत अगर इस तरह का काम करे तो वो जेल के अंदर, क्योंकि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं आपके देश में, कोई क्रिश्चियन करे तो साइंटिफिक है, हिंदू करे वही काम को तो अनसाइंटिफिक हो गया। और महाराष्ट्र में एक संस्था बनाई गई है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, वो यही धंधे में लगी रहती है, क्रिश्चियन लोग कुछ भी करें उसको दिखाई नहीं देता, मुसलमान कुछ भी करे दिखाई नहीं देता, हिंदू कुछ भी करे उसके पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति बने। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो उसमें काम करते हैं, मेरा उनका यही झगड़ा रहता है कि तुमको अंधश्रद्धा हिंदुओं में दिखाई देती है, ईसाइयों में नहीं दिखाई देती, मदर टेरेसा से ज्यादा अंधविश्वासी कौन होगा जो किसी के हाथ रख दे कंधे पर कैंसर ठीक कर दे,
अगर ऐसा होने लगे तो मदर टेरेसा ने पोप जॉन पॉल पे हाथ क्यों नहीं रखा, उनको तो पार्किंसन डिसीज था 20 साल से। पोप जॉन पॉल को तो पार्किंसन था ना 20 साल से, मदर टेरेसा ने क्यों नहीं हाथ रख दिया, पोप जॉन पॉल क्यों नहीं ठीक हो गए। अभी थोड़े दिन पहले एक बेनी हिन नाम का हिंदुस्तान में ईसाई पादरी आया, बेनी हिन, उसका बेंगलोर में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। तो उस फंक्शन में वो तमाशा क्या करता, आपको ईसाई बनने का है वो संघ परिवर्तन उसमें जाइए, सभा में जाइए, वो भाषण करेगा, 10 लोग खड़े हो जाएंगे, वो बोलेंगे इसका भाषण सुन के मेरा कान ठीक हो गया, इसका भाषण सुन के मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई, इसने भाषण किया तो मेरे शरीर के सारे खून में कोलेस्ट्रॉल कंटेंट खत्म हो गया, इसका भाषण सुन के तो मुझे हार्ट अटैक आना बंद हो गया। ये बेनी हिन तमाशा करता, फिर 20 लोग ये सुना देते हैं, सब लोग कहते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा है, तो आप भी ऐसा करो तो आप सब ईसाई हो जाओ, हाँ 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 हो जाएंगे, गले में चर्च डाल देते हैं क्रॉस, ऐसे ये सब तमाशा होता। बेंगलोर में उसका कार्यक्रम हुआ, ठीक है। हमारे भारत के बहुत सारे संगठनों ने सरकार को पूछा कि ये अगर बेनिहिन कर रहा है तो ये सांप्रदायिकता नहीं है, ये धर्मनिरपेक्षता है क्या? अगर कोई ईसाई ये सब करता है तो धर्म निरपेक्ष है, कोई हिंदू संगठन करे तो सांप्रदायिक है, ये तुम्हारी डेफिनेशन क्या है? तो कहा गया कि बेनी हिन भारत का मेहमान है। तो हमने कहा कि देखो बेनी हिन ने ये सब तमाशा किया, उसमें पैसे इकट्ठे किए उसने, किसी ने 50 दिए, किसी ने 100। मैंने कहा इनकम टैक्स वालों को कहो कि ये सब भी इनकम पे टैक्स लगे। उन्होंने कहा ये तो टैक्स फ्री इनकम है, क्योंकि चर्च की सारी इनकम टैक्स फ्री, चर्च के नाम पे कलेक्शन किए। अभी अगले साल फिर बेनी हिन आएगा, कुछ भी करेगा, अपने नाम से हिंदुस्तान में कोई धंधा भी करेगा तो वैट नहीं देना है और इनकम टैक्स भी नहीं देना है, क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के कानून इस देश में बन रहे हैं और हम खामोशी के साथ अगर इनको सहन कर रहे हैं तो ये हमारी कमजोरी है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज अगर हम खड़े होकर इसका विरोध नहीं करेंगे तो कल कुछ बचेगा नहीं इस देश में जिसको आप बचाना चाहें। अगर धर्म गया, संस्कृति जाएगी, सभ्यता जाएगी, और ये वैल्यू एडेड टैक्स का आक्रमण धर्म के ऊपर है, अर्थ के ऊपर नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अर्थ में क्या होगा, व्यापारी को टैक्स है ना, वो ग्राहक से लेके सरकार को दे देगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा बहुत रिश्वत ज्यादा देनी पड़ेगी, वो भी करेगा, हैरान परेशान तो वो रोज होता है, थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। परेशानी सबसे बड़ी है कि ग्रॉस इनकम भी टैक्सेबल हो गई और नेट इनकम भी टैक्सेबल हो गई, सबसे बड़ा खतरनाक बिंदु ये है इसका। इसका माने टोटल इनकम सरकार की नजर में है, अब आप कुछ छोड़ नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, बचा नहीं सकते, माने डोनेशन के लिए अब आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, माने डोनेशन अब लगातार कम होंगे तो धर्म का काम कम होता जाएगा, मंदिर बनने कम होंगे, मठ बनने कम होंगे, धार्मिक गतिविधि कम हो जाएगी। महाराज जी कहेंगे पैसा लाओ, आपको कहे है ही नहीं, सरकार ने ले लिया टैक्स में, कहाँ से दें आप? महाराज जी चाहते हैं जैन स्कूल बने, आप कहेंगे पैसे ही नहीं है, जैन स्कूल बनेंगे कैसे? तो इसलिए आपको इसका विरोध करना बहुत आवश्यक है। और आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी आप ये मत सोचिए हमारे विरोध करने से क्या होगा। मैंने आपको एक छोटा उदाहरण दिया, 6 महीने पहले हमने उत्तर प्रदेश में छोटा सा शुरू किया था, आज उसका परिणाम है कि वैट नहीं, और उत्तर प्रदेश जैसे 8 राज्यों में नहीं है। अगर सब लोग खड़े हो जाएं तो पूरे हिंदुस्तान से वैट चला जाए। और मेरा यह मान्यता है व्यापारी सरकार को टैक्स देने वाला क्लास है, माने ग्राहक से लेके सरकार को दे रहा है फोकट में। अगर ये व्यापारी खड़ा हो जाए कि हम कोई भी सर्विस अब आपको फोकट में नहीं देंगे, जब आपका टैक्स कलेक्टर फोकट में कुछ नहीं करता, हम कैसे आपको फोकट में टैक्स इकट्ठा करके देंगे? हमको इसका सर्विस चार्ज चाहिए, नहीं तो टैक्स हटाओ। और आप अगर एक ही बात कहना शुरू कर दो कि टैक्स नहीं भरेंगे, तुमको जो करना है करो, 1 साल के लिए जेल भेजोगे, चलो कितनी जेल है तुम्हारे पास, हिंदुस्तान की सब जेल भरी पड़ी है, जगह नहीं है पांव रखने की। 4.5 करोड़ व्यापारी महाराज जी, रिटेलर 4.8 करोड़ है इस देश में, और रिटेल बिजनेस 9 लाख करोड़ का है इस देश में, 9 लाख करोड़ का रिटेल बिजनेस है, 4.5 करोड़ से ज्यादा रिटेल बिजनेसमैन है, और दूसरे बिजनेसमैन को जोड़ दो तो 5 करोड़ 5.5 करोड़। ये अगर खड़े हो जाए, कोई सरकार में दम नहीं है, किसी आर्मी में दम नहीं है कुछ कर सकते।
करें, नहीं तो कल कुछ बचेगा नहीं। विरोध करने का मन में संकल्प रखें कि आप विरोध करेंगे तो परिणाम निकलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा। हो सकता है 100% नहीं निकले, 50% निकले, क्या निकल सकता है। आप खड़े हो जाइए, विरोध करना शुरू करिए, हमको ये वैट मंजूर नहीं। सरकार कहेगी अच्छा बताओ क्या मंजूर है आपको। तो सबसे पहली शर्त, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म करो। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी वैट पे लाओ। दो, आप देखो फिर देखो कैसी मिर्ची खड़ी होगी। मिर्ची इतनी तेज लगेगी, पूरा चर्च ऑर्गेनाइजेशन और ये जो इस्लामिक मूवमेंट वाले ना, ये सब खड़े हो जाएंगे। आप तो एक सुलगा दो ना चिंगारी, आप ये बोलो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को वैट पे लाओ। अगर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वैट पे है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी वैट पे लाओ। हाँ, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अमेरिकन एम्बेसी है, फ्रेंच एम्बेसी है, वो टैक्स फ्री करना है, ठीक है, क्योंकि हमारी एम्बेसी उनके यहाँ टैक्स फ्री है, तो ठीक है, इनको छोड़ो, ये तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी अदर देन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं उनको वैट पे लाओ। इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म करो, टैक्स का रेट कम से कम करो, 4% 5% करो, सिंगल पॉइंट करो, सेंड वैट करो, अधिकारियों के अधिकार खत्म करो, ड्यूटी फिक्स करो। और भारत में अधिकारियों को तनख्वाह देना बंद करो, सरकारी खजाने से पैसे लुटाना बंद करो, कमीशन फिक्स करो उनका। ऐसी ऐसी आप डिमांड रखना शुरू करिए, या तो सरकार इसको माने नहीं तो हटाए, दोनों में से कुछ हो। देखिए दिल्ली के व्यापारियों ने लड़ाई शुरू किया, 7 दिन दिल्ली बंद कर दिया, भारत में पहली बार हुआ दिल्ली 7 दिन बंद था। इमीडिएट सरकार सरेंडर कर गई, 50% डिमांड मान लिया दिल्ली सरकार, दिल्ली के व्यापारी। और दिल्ली के व्यापारी कह रहे हैं थोड़े दिन में हम फिर करेंगे, 25% और मनवा लेंगे अपने। तो अगर दिल्ली वाले करा रहे हैं, यूपी वाले करा रहे हैं, तो महाराष्ट्र वाले भी करा सकते हैं, गुजरात वाले भी करा सकते हैं। गुजरात में खैर है नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में अगर ये आया है, कर्नाटक में आया है, तो आप ये करें। तो इसके लिए दो उपाय हैं, पहला उपाय व्यक्तिगत है, दूसरा सामूहिक है। व्यक्तिगत क्या है, आप भारत के प्रधानमंत्री को और वित्त मंत्री को ऑब्लिक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को और वित्त मंत्री को एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड तो लिखें कम से कम, विरोध के स्वरूप में, हम वैट को मंजूर नहीं करते। कारण क्या है वो बता दें, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, ये कारण से हम मंजूर नहीं करते। और अगर आप ये बदलोगे नहीं तो आपका वही हाल होगा जो ओम प्रकाश चौटाला का हुआ। सीधे लिखो पत्र, ओम प्रकाश चौटाला ने किसी की नहीं सुनी, परिणाम है कि आज वो सड़क पर है। एक जमाने में उसके पास 2/3 बहुमत होता था, आज 5-6 सीट भी नहीं आई है। जो हाल चंद्रबाबू नायडू का हुआ, जो SM कृष्णा का हुआ, वो आपका होगा। और हर मंत्री, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, कुर्सी हटे उसी से डरता है। आप लिखो उनको सीधे कि या तो ये शर्त है, इस आधार पर बैठ करो, नहीं तो हम नहीं मानते, और हम सिविल नाफरमानी करेंगे जो गांधी जी हमको बता के गए। गांधी जी कहते थे कि गलत कानून को स्वीकार करना सबसे बड़ी हिंसा है, क्योंकि वो आपको ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को खत्म कर देता। और गांधी जी कहते थे कि गलत कानून के खिलाफ सिविल नाफरमानी करना सबसे बड़ी अहिंसा है। सिविल नाफरमानी, नहीं देंगे टैक्स, जेल में डालना है डालो। जिस दिन हिंदुस्तान में 10-20 लाख व्यापारियों में ये हिम्मत आई, जैसे यूपी में जेल भरो आंदोलन शुरू किया महाराज जी, 2 ही दिन चला, 3रे दिन सरकार ने सरेंडर कर दिया, वैट नहीं लाई। 2 दिन में मुश्किल से 2,500-3,000 व्यापारी जेल गए थे, 3रे दिन सरकार ने कह दिया नहीं लाएंगे। तो आप भी अगर हिम्मत करके ये कहना शुरू करोगे तो यहाँ सरकार सरेंडर करेगी। इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पे आप पत्र लिखें, एक सामूहिक करें। सामूहिक क्या करें, मान लीजिए आपका कोई व्यापारिक संगठन है, औद्योगिक संगठन है, उसकी तरफ से मेमोरेंडम भेजें और उस मेमोरेंडम में 20-25 पॉइंट दें। उसकी एक कॉपी मैंने परेश भाई को भेजी है कि भारत में जो वैट स्ट्रक्चर है और यूरोप में जो वैट स्ट्रक्चर है, दोनों में अंतर क्या है, वो मेमोरेंडम में आप भेजें। हमको ऐसा चाहिए जैसा यूरोप में है, हमको वो नहीं चाहिए जो तुमने लाया। तो इस तरह का मेमोरेंडम आप भेजना शुरू करें, बहुत असर होगा इसका। और तीसरा, जागरूकता पैदा करें लोगों में। आपने मुझे सुना, आप किसी को सुनाएं, वो किसी को सुनाए, धीरे धीरे ये बात बढ़ती चली जाए। जितने ज्यादा लोगों को माहिती होगी वैट के बारे में, उतना ही विरोध होगा। और धार्मिक संगठनों को माहिती पहले दें। जितने भी साधु संत इस समय मुंबई में विराज रहे हैं,
या जिनका चौमासा यहाँ होने की शक्यता है, उन सबके पास तो ये माहिती पहुंचा है कि अभी धर्म पर सबसे बड़ा हमला ये होने जा रहा है, आप इसका विरोध करिए। और इस हमले का एक दूसरा हिस्सा है, जो हमारे देश में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है ना 1860 का, उसमें बहुत परिवर्तन किया सरकार, और परिवर्तन इतना खतरनाक कर दिया है कि आप कोई भी ट्रस्ट रजिस्टर करिए, नॉन प्रॉफिटेबल हो किसी भी लेवल पे, अब सरकार कोई भी हस्तक्षेप कर सकती है उसमें, कभी भी कर सकती है। और ये कानून के आधार पर कर्नाटक में तो महाराज जी मंदिर सरकार ने अपने हाथ में लेने शुरू कर दिए। कर्नाटक में बहुत बड़ा मंदिर है उडुपी का, वो सरकार के हाथ में चला गया, उसके लिए अभी बहुत बड़ा लड़ाई शुरू हुई है कर्नाटक। तो धीरे धीरे सब मंदिरों को सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। आपको मालूम है हमारे देश का सबसे पहला मंदिर गया इसी कानून के आधार पर, वैष्णो देवी सरकार के हाथ में गया। दूसरा मंदिर इसी कानून के आधार पर गया, ये जो आंध्र प्रदेश का है तिरुपति बालाजी, सब सरकार के हाथ में चला। और इतनी हरामखोर सरकार है महाराज जी, मंदिर के देवद्रव्य में आया हुआ पैसा सरकार खा रही है और उससे कर्मचारियों को पगार बांटी जा रही है। अभी आंध्रा के लोग कहते हैं कि जिस चंद्रबाबू नायडू ने ये किया उसको शाप दिया तिरुपति बालाजी ने, इसलिए हार गए। लेकिन आगे की सरकार भी संभाल नहीं रही है उसको, नई सरकार आई वो भी कह रही है यही चलाएंगे। तो ये कानून सब बना के, एक तरफ तो मंदिर मठों में घुसने का सरकार का इरादा, और वैट जैसे कानून लगा के टोटल इनकम को टैक्स करने का इरादा, इनकम को यहाँ आने से रोक दिया जाए और जो कुछ मठ मंदिरों में है उस पर सरकार कब्जा कर ले, यही कोशिश हो। और सरकार में कौन है कब्जा करने वाले, ये महा हरामखोर इस देश के पुढ़ारी लोग, वो मंदिरों के मठ के अध्यक्ष बन के बैठते हैं, दारू भी पीते हैं, रंडीबाजी भी करते हैं, वैश्यावृत्ति भी करते हैं और मंदिर के मठ के अध्यक्ष बन के बैठे। कई मंदिरों में ऐसा, उडुपी के मंदिर में जिस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है वो एक पुढ़ारी है महा हरामखोर, और वो मंदिर का अध्यक्ष है। तो मंदिर में लोगों ने जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे ये दुर्गति सभी मंदिरों की हो, इसलिए सभी साधु संतों को, महंतों को ज्यादा से ज्यादा ये माहिती करने की, बताने की जरूरत है, और वो अपने व्याख्यानों में लोगों को ये कहना शुरू करें, लोगों में जागृति पैदा हो, थोड़े दिन में एक बहुत बड़ा अभियान बने और वो अभियान पूरे देश में कामयाबी के साथ चले और सफलता मिले, ऐसी कोशिश आप करिए। आप पहले से हार के मत बैठ जाइए, कुछ होगा नहीं, हमारे अकेले से क्या होगा। मैं तो आपको एक ही छोटा उदाहरण बार बार दे रहा हूँ, अगर यही हमने 2.5 महीने पहले सोचा होता, हम तो उत्तर प्रदेश में, हमारा संगठन सबसे कमजोर अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में आज़ादी बचाओ आंदोलन, और सबसे ताकतवर तरीके से हमने अभियान चलाया बैठ का वहीं पर। संगठन कमजोर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी कम है ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी बात कितनी ताकतवर है, कितनी सत्य के नजदीक है और कितने निस्वार्थ भाव से आप कह रहे हैं उसका असर होता है। उत्तर प्रदेश के व्यापारी तो कहते हैं ये राजीव दीक्षित को क्या लेना देना, ना इसका कोई धंधा है, ना इसका कोई व्यापार है, ना इसकी कोई फैक्ट्री है, फिर भी ये चिंता कर रहा है बैठ की, तो ये हमारे लिए है, तुरंत खड़े हो गए। तो ये जो भावना होती है ये देश को इकट्ठा करती है, हम इस भावना का जितना ज्यादा प्रचार करेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसमें मैं एक छोटी सी मदद कर सकता हूँ, ये जो विषय मैंने आपको दिखाया इस विषय पर 3 CD बनाई है मैंने, दुर्भाग्य से मैं पिछली बार आया तो नहीं ला पाया था, अब की बार लाया, वो 3 CD बाहर है गेट पर, आप जाएं तो ले जाइए। 1 CD अलग से है और 2 CD एक साथ में है, ऐसे करके 3 CD। उसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा जो माहिती मेरे पास है वो मैंने देने की उसमें कोशिश की है और उसमें कन्विंस करने की कोशिश की है कि इसका विरोध करें, वो आप ले जाइए। उस पर हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है, क्योंकि मैं कॉपीराइट के सख्त खिलाफ, मैं मानता हूं कि ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैंने कहीं से ज्ञान लिया, आपको दिया, अब आपका कर्तव्य है आप किसी और को दें। और भारत में परंपरा यही है, जितने धर्म शास्त्र हैं, जितने भी पुराने शास्त्र हैं, किसी पर किसी का कोई कॉपीराइट नहीं। तो वो आप CD ले लीजिए, कॉपीराइट नहीं, उसकी कॉपी करिए ज्यादा से ज्यादा, 1000, 2000, 5000, 10000, और जितना तेजी से डिस्ट्रीब्यूट करें, खाली मुंबई में ही करा दीजिए आप, मुंबई में इतनी ताकत है कि देश हिल जाएगा, 1,40,00,000 लोग रहते हैं और उसमें से व्यापारी वर्ग ही इकट्ठा हो जाए तो वो 35-40 लाख के आसपास है। ये 35-40 लाख व्यापारी वर्ग मुंबई का इकट्ठा हो गया तो ये पूरे देश को हिला देगा, क्योंकि मुंबई भारत की
वित्तीय राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल है, और भारत को सबसे जास्ती टैक्स देने वाला शहर भी मुंबई है, तो सरकार को मुंबई के पास आना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा मुंबई। एक बार यहां ये जन जागृति हो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और मुंबई के बाहर जो लोग रहते हैं गुजरात में, उनको कहिए तुम्हारे यहां नहीं है तो शांत मत बैठो। गुजरात वाले ये सोच के बैठे हमारे यहां तो है नहीं, कभी भी आ सकता है। राजस्थान वालों को कहो कभी भी आ सकता है, तुम तैयारी रखो, ये नहीं आग लगने के बाद कुआं खोदो, पहले से पानी की तैयारी रखो। तो इस तरह का अगर प्रचार आप थोड़ा कर दें ये सीडी के माध्यम से, और इस विषय पर एक छोटी सी पुस्तक हमने बनाई है, करीब 60-70 पन्ने की है, हिंदी भाषा में है, WTO की जिन कंडीशंस के आधार पर ये आया है वेट, उसकी एक पुस्तक है छोटी सी 60-70 पन्ने की, वो आप ले जाइए, सीडी आप ले जाइए, पुस्तक का गुजराती कर लीजिए, मराठी कर लीजिए, लगे तो उसका कोई दूसरी भाषा में भी भाषांतर कर लीजिए, उसको बांटिए, सीडी सुनाइए, दूसरों को कहिए कि वो किसी को सुनाए, ऐसे कर करके थोड़ा प्रचार करेंगे 15-20 दिन या महीने भर में एक माहौल बनेगा। वो माहौल के आधार पर सबको कहिए पोस्ट कार्ड लिखो, चिट्ठी लिखो, मेमोरेंडम भेजो, सरकार के पास डेलीगेशन लेके जाओ, सरकार से बात करो। बार बार आप जाओगे तो सरकार के ऊपर इतना दबाव आएगा, वो दबाव मजबूर करेगा। और महाराष्ट्र की सरकार तो वैसे भी बैसाखी पे चल रही है, इंडिपेंडेंट तो है नहीं, तो वैसे ही कमजोर है। कमजोर सरकारों को सरेंडर कराना बहुत आसान होता है, बनिस्बत की एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट को सरेंडर कराने के। तो इस तरह की कोशिश और प्रयास आप करें, और महाराज जी का सबका हमें सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले, तो ये लड़ाई में जरूर विजय मिल सकती है और इस देश के टैक्स स्ट्रक्चर को बदला जा सकता है। और अगर आप नहीं कुछ करें तो आने वाली पीढ़ी आपको सवाल पूछेगी कि ये सब बर्बादी जब हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे, तो आपके पास जवाब नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी तो पुरखे क्या कर रहे थे, सो रहे थे, इसलिए वो घुस गई। अगर जागरूक होते तो उसी समय मार के भगा देते अंग्रेजों को। तो एक गलती जो हो गई है वो बार बार न करें, यही हमारे जागरूक होने की पहचान है। इसी अपेक्षा के साथ मैं व्याख्यान समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी माहिती मैं आपको दिया हूं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दें, और जो सीडी है, किताब है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करें, भाषांतर करके उसके पत्रक छपा कर बांटने में मदद करें, और जो षड्यंत्र है उसको ध्यान में रखें। षड्यंत्र है हिंदुस्तान को ईसाई बनाना है, टारगेट वो है, उसके लिए ये तरह तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, उसके लिए वैट आया है, उसके लिए ये सब हो रहा है, इसको न भूलें। क्योंकि इसी उद्देश्य से पूरे दुनिया में 500 साल चर्च ने काम किया है और अगले 500 साल उनके काम करने का इरादा है। जब पोप जॉन पॉल भारत आया था ना, तो उसने घोषणा की है कि पहली सहस्त्रावधि में हमने पूरे यूरोप को ईसाई बना दिया, दूसरी सहस्त्रावधि में अफ्रीका को बना दिया, अब तीसरी सहस्त्रावधि में एशिया को बनाना है, और एशिया में भारत आता है। तो टारगेट उनका ये है, और ये दुर्भाग्य है कि इस समय हमारी सरकार भी उनकी सरकार जैसी है इस देश में, जो पूरी तरह से क्रिश्चियन लॉबी से संचालित है। तो ऐसे समय में थोड़ा सावधान रहना है, विजिलेंट रहना है, सो नहीं जाना है, आराम से नहीं बैठ जाना है, थोड़ा 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 भी प्रयास करेंगे, बहुत बड़ी ताकत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक व्यक्ति एक को कहेगा, वो किसी एक को कहेगा, महीने भर में पूरी बंबई में आपकी तरह से ये बात फैल जाएगी, और मुंबई में फैली तो महाराष्ट्र में देर नहीं लगेगी, और मुंबई खड़ी हो गई तो महाराष्ट्र खड़ा होगा।